प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं अभी सांस्कृतिक जीवन और कल्चरल जो बात रहती है, परंपरा क्या चली आ रही है, जो सात फेरे होते हैं शादी के वक्त में, उनकी पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। सात फेरों का मतलब क्या होता है, एक एक फेरे का मतलब क्या होता है, और क्यों सात फेरे शादी में किए जाते हैं, हिंदू धर्म की क्या मान्यताएँ हैं, इसकी संपूर्ण कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। और सात फेरों के तहत हम आपको बताएंगे, मेरे दोस्तों, सात फेरों को जानिए कौन कौन से हैं सात फेरे, और उस सातों फेरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सात फेरों का मतलब और सात फेरों का संदर्भ। उसी के तहत हम आपको बताएंगे कि सातों फेरे कौन कौन से होते हैं और कब और किस लिए लिए जाते हैं, और हरेक का संदर्भ क्या क्या होता है, उसी संदर्भ में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सात फेरों का संदर्भ मतलब, और वन बाई वन करके हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। और इसी संदर्भ में आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। उससे पहले पहले दोस्तों, हम बता देते हैं कि हमने ये जो वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आपकी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए जो बनाए हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करते रहिए, और पूरा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ अधिकाधिक जानकारी के लिए। सात फेरे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सात फेरों का मतलब, और सात फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, 3.5 या 4.5 क्यों नहीं लिए जाते हैं, या 10 क्यों नहीं लिए जाते हैं, 11 क्यों नहीं लिए जाते हैं, हिंदू धर्म में सात जो संख्या है इसका क्या महत्व है, इनकी पूरी संपूर्ण कहानी हम आपको सिस्टमेटिक जो परंपरा क्या चली आ रही है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, एक एक करके हम आपको सातों फेरों के बारे में जानकारी देंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, सीधी सी बात है कि हमारे साथ बने रहिए, और उसी के संदर्भ में हम आपको बता देते हैं कि सात फेरों का मतलब क्या है, और उन सातों फेरों का, हिंदू धर्म के सात फेरों का मतलब जानिए, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बता देते हैं हिंदू धर्म में सात फेरे शादी के वक्त क्यों लिए जाते हैं। हिंदू धर्म के सात फेरों का मतलब जान लीजिए। पहला फेरा, उसका क्या मतलब होता है, सप्तपदी, उसको सप्तपदी भी कहा जाता है, सात फेरों को सप्तपदी भी कहा जाता है। सप्तपदी में पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए, पहला पग किस लिए होता है फेरों के अंदर शादी के वक्त में, भोजन व्यवस्था के लिए। दूसरा फेरा आता है, दूसरे फेरे के संदर्भ में हम आपको बताने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। पहला फेरा हो गया भोजन की व्यवस्था के लिए, और दूसरा फेरा आता है, दूसरा शक्ति संचय, आहार तथा संयम के लिए। दूसरे फेरे का जो संदर्भ होता है उसका मतलब होता है शक्ति का संचय, शक्ति का एकदम स्टॉक, फिर आहार, खाना पीना जो भी है, और उसके संदर्भ में संयम, कंट्रोल अपने आप पर, आपस में दोनों पक्षों की तरफ से है ये, कोई एक ना तो लड़का कह रही ना लड़की कह रही, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है एक दूसरे के साथ चलने के लिए, एक दूसरे के साथ संबंधित रहने के लिए, और एक दूसरे से संपर्कित रहने के लिए। दूसरा जो फेरा है शक्ति संचय, आहार और संयम, कंट्रोल अपने आप पर। चलिए तीसरे फेरे की कहानी सुन लेते हैं। ये जो तीसरा फेरा है उसको कैसे जाना जाता है, तीसरे फेरे के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा फेरा है धन की प्रबंधन व्यवस्था हेतु, तीसरा फेरा दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि धन की प्रबंधन की व्यवस्था हेतु तीसरा फेरा जो अपना कल्चरल जो बना हुआ है हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, तीसरा जो फेरा होता है धन की प्रबंधन व्यवस्था हेतु दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे। फिर चलते हैं आगे श्रीमान, चौथा फेरा, चौथा फेरा का क्या मतलब है, उसको किया जाता है, और चौथा फेरा आत्मिक सुख के लिए, एक दूसरे की आत्मा के सुख के लिए चौथा फेरा लिया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, पांचवा फेरा किस लिए है, ये पांचवा फेरा आ गया, और पांचवा है पशुधन संपदा हेतु। ये अपनी अपनी धारणाएं अलग अलग है, आप अपनी धारणाएं के हिसाब से जैसा समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। पांचवा पशुधन संपदा के लिए, पशुधन संपदा अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है पशुधन संपदा। फिर चलते हैं छठा फेरा, छठा जो फेरा है सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए, सभी ऋतुओं में, ऋतुएं छह होती है, सर्दी,
गर्मी, वर्षा, हेमंत, बसंत, शिशिर, ये सर्दी, गर्मी, वर्षा, हेमंत, बसंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं हैं। उनके अंदर ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए व्यवस्था तथा सातवां फेरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। सातवें फेरे के अंदर आपको क्या करना चाहिए, सातवें फेरे में बता देते हैं हम आपको अंतिम और सातवां पक्ष जो सप्तपति होता है, सातवां फेरा हम आपको बताने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, थोड़ा उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। अंतिम सातवें पक्ष में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए, कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है, सदैव साथ चलने का वचन लेती है। फिर चलते हैं आगे, तथा सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा भी करती है, कोई भी पति का कार्य उसमें सहयोग देने की प्रतिज्ञा भी करती है। मैत्री सप्तपदीन म्यूचेत, यह है संस्कृत का शब्द है, मैत्री सप्तपदीन म्यूचेत, अर्थात इसका मतलब है एक साथ सिर्फ 7 कदम चलने मात्र से ही, एक साथ 7 कदम चलने मात्र से ही 2 अनजान व्यक्तियों में भी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है, 7 कदम चलने से ही मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक सात पदों की गरिमा एवं प्रधानता को स्वीकार किया गया है। सातवें पग में वर कन्या से कहता है, फिर सातवें पद में ही अब वर की तरफ से कन्या, ये तो होगी लड़की की तरफ से जिम्मेदारियां, और अब होता है वर की तरफ से कन्या को क्या कहता है कि हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात परस्पर सखा बन गए हैं, मन, वचन और कर्म के प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एक साथ उठे, इसलिए आज अग्निदेव के समक्ष हम साथ कदम रखते हैं। फिर चलते हैं आगे, हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति सदैव एकनिष्ठ रहें और पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत हमारा ये बंधन अटूट बना रहें तथा हमारा प्यार सात समुद्रों की भांति विशाल और गहरा रहें। तो प्यारे दोस्तों, हमने आपको जो ये बताया है सात फेरे जो भारतीय संस्कृति के अनुसार है और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार है, बहुत से धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग रीति रिवाज से शादी होती है। तो हमने सिर्फ ये हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार सात फेरों का जो संबंध है वो बताया है, उसी के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म में फेरे के वक्त में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, उनका ये मतलब होता है जो कि हमने अभी आपको बताया है। 7 फेरों का मतलब हिंदू धर्म के 7 फेरों में पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा फेरा और पांचवा फेरा, छठा फेरा और सातवां फेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, और उसके लिए हम आपको थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। उसके लिए हम आपको एडवांस में थैंक यू बोल सकते हैं, और हमारे चैनल को आपको बताते हैं कि शेयर शेयर सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। पहले दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत सारे वीडियो भारतीय संस्कृति, जनरल जीके, नॉर्मल, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल, बहुत सारी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, लॉ वगैरह वगैरह, और बहुत सारे अधिनियम्स वगैरह हम आपको देते रहेंगे। और हमारे 1000 से भी ऊपर वीडियो हो चुके हैं प्यारे दोस्तों, तो उसको प्यार देते रहिए, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।